ओके सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का कोरोना पीजी का बर्निंग सर्ट फोटो एडिटिंग। तो गाइस, इसमें क्या करना है गाइस, आप सभी को जो है गाइस इसमें रीटचिंग बड़े ध्यान से देखनी है, क्योंकि गाइस जब तक आप रीटचिंग अच्छे से नहीं करोगे गाइस, जब तक मतलब रीटचिंग आप ध्यान से नहीं देखोगे एंड उसके बाद जब आप उसमें अपने कपड़ों के ऊपर जब आप फायर का पींजी लगाओगे तो गाइस वो इतना खास नहीं लगेगा। क्योंकि गाइस जो है मतलब कि जब तक आपका पीछे का बैकग्राउंड जब तक डार्क नहीं होगा तब तक यार मतलब कि वो जो मतलब फायर है वो अच्छे से दिखेगा भी नहीं। तो गाइस वही चीज़ मैं आपको आज अच्छे से वीडियो में समझाऊंगा कि आपको कैसे करना है एंड सारी पीएनजी वगैरह कैसे ऐड करनी है, तो सब कुछ आपको वीडियो में पता चलेगा। तो गाइस अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पीएनजी इसका मैं यूज़ करूंगा सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजीली वीडियो देखने वाले जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस आप सभी को सबसे पहले करना है गाइस आप सभी को जो अपनी फोटो को पहले ऐसे क्लिक करवा लेना गाइस किसी मतलब कि बैकग्राउंड में जहाँ पे मतलब कि आप ग्रास वास हो, ठीक है। फिर इसके बाद आपको स्लाइड वाला ऑप्शन ले जाना है एंड उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट इसका कम कर देना है एंड उसके बाद गाइस आपको थोड़ा सा व्हाइट कम कर देना है यहाँ पे एंड उसके बाद जो ब्लैक है गाइस इसको आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है। एंड उसके बाद जो थोड़ा एक्सपोजर है वो भी कम कर लेना, क्योंकि गाइस मतलब कि आपको अपनी फोटो के हिसाब से आपको, ठीक है, इसमें लाइटिंग वगैरह जो आपको अपनी फोटो के हिसाब से मतलब एडजस्ट करनी है। फिर गाइस जब आप एडजस्ट कर लोगे तो उसके बाद आपको यहाँ से जाना है नीचे वाले टूल में, ये थर्मामीटर वाला आइकन में, देन गाइस आपको इसका थोड़ा सा टेम्परेचर जिसको कम कर देना है एंड जिसका वाइब्रेशन आपको उसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको जाना मिक्स में, फिर यहाँ पे गाइस आपको जाना है यहाँ से ग्रीन कलर में और सॉरी येलो कलर में एंड उसके बाद आपको उसका सैचुरेशन बिल्कुल माइनस कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको थोड़ा ह्यू है उसको प्लस कर देना है। फिर गाइस यहाँ पे आप सभी को मिला ग्रीन कलर, आपको फिर इसका क्या करना है, आपको गाइस इसका जो ह्यू है इसको आपको थोड़ा सा माइनस की तरफ ले जाना है, फिर इसका सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा देना है। फिर इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है यहाँ पे, अब गाइस यहाँ पे जाना है आप सभी को यहाँ से ब्लू कलर में एंड इसका यू जो है आपको प्लस में कर देना है, थोड़ा सैचुरेशन बढ़ा देना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है यहाँ पे, अब गाइस यहाँ पे आप सभी को जाना है ऑरेंज कलर में, आपको अपनी फेस का थोड़ा सा एडजस्टमेंट देख करना है, ठीक है, थोड़ा सा सैचुरेशन माइनस करके लुमिनस प्लस कर देना है। फिर इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है यहाँ पे, अब गाइस यहाँ पे जो है आपको जाना है दोबारा से ब्लू कलर में, तो यहाँ पे तो हमारा इतना हो गया, ठीक है, ब्लू कलर का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब जाना गाइस आपको नीचे वाले टूल में, यहाँ पे गाइस आपको थोड़ा क्लियरिटी बढ़ा देना है एंड इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा विग्नेट डाल देना फोटो में, ठीक है। मतलब गाइस अभी हम मतलब कि यहाँ पे पूरी कंप्लीट रिटच हुई नहीं है अभी हमारी, अभी हम इसमें और भी चेंजेस करेंगे, तो अभी इसमें हम विग्नेट डाल लेते हैं एंड नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको हमें मिलेगा ग्रे अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना है थोड़ा सा, ठीक है गाइस। तो इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ से जाना है दोबारा नीचे वाले टूल में एंड यहाँ से गाइस आपको फिर यहाँ पे शार्पनेस इंक्रीज करनी है, नोड रिडक्शन इंक्रीज करना है एंड गाइस यहाँ पे कलर नोड रिडक्शन भी इंक्रीज करना है। तो गाइस अभी आप सभी को फोटो देख के ऐसा लग रहा होगा कि यार अभी तो ब्राइटनेस वगैरह है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम जाएंगे सिलेक्टिव टूल में एंड यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे हम लेंगे ये वाला सबसे थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है, नीचे से थर्ड वाला एंड उसके बाद आप एक सर्कल बनाएंगे यहाँ पे एंड सर्कल बनाने के बाद गाइस इसका हम करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे एंड उसके बाद गाइस हम इसको कर देंगे इन्वर्ट, ठीक है। इन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जाना है गाइस यहाँ से लाइट वाला ऑप्शन में एंड गाइस उसके बाद इसका एक्सपोजर जो आप सभी को कम कर देना है, ताकि जो आपका पीछे का बैकग्राउंड है वो हो जाए डार्क, ओके गाइस। सो कुछ इस टाइप से इतना कर लेना है एंड यहाँ पे इतना परफेक्ट है। अब गाइस इसको यहाँ पे आपको कर लेना है इसको सेव, ठीक है, एंड उसके बाद जो है मतलब कि यहाँ पे बिफोर आफ्टर देख सकते हैं आप, अब इसको सेव कर लेना। अब इसमें हमें लगानी पीएनजी वो भी फायर की, तो वो कैसे लगानी है गाइस उसको हम यहाँ पे पिक्सआर्ट में जाके करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ से पिक्सआर्ट में। अब गाइस यहाँ पे पिक्सआर्ट में फोटो को लाने के बाद क्या करना है, आपको जाना है ऐसे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को मिल जाएगा एक फायर का पीएनजी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। फिर गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको ब्लेंडिंग मोड चेंज करके पहले करना है स्क्रीन एंड गाइस इसको आपको करना है रोटेट, ठीक है, जो मतलब फायर वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, जो भी मतलब पार्टिकल जोड़ रहे हैं उसको ऊपर की तरफ रखना है। फिर गाइस आपको यहाँ पे अपनी शर्ट के पास कुछ इस टाइप से ऐसे रख देना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से रख दोगे तब गाइस उसके बाद आप सबको यहाँ पे सिंपली डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे कर देना है डन एंड गाइस उसके बाद यहाँ पे आप सबको जाना है दोबारा ऐड फोटो में एंड गाइस यहाँ पे थोड़ा सा पार्टिकल इसमें ऐड करना है, तो हम ये ले लेंगे एंड उसके बाद गाइस इसका तो पहले हम ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे, यहाँ पे करेंगे स्क्रीन एंड गाइस उसके बाद अपनी फायर के पास कुछ इस टाइप से ऐसे रख देंगे एंड गाइस अगर ये आप सभी को कम लगे तो आप इसका डुप्लीकेट कर लेना, ज़्यादा लगे तो ओपेसिटी कम कर लेना, तो यहाँ पर कम है तो हम इसका डुप्लीकेट करके यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाएंगे। अब गाइस यहाँ पे इतना परफेक्ट है, तो गाइस हमारी यहाँ पे एडिटिंग हो चुकी है, अब हम इसको कर लेंगे सेव एंड बाकी गाइस मैं मिलूंगा आप सभी से किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।